इधर देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा नगरी में देश भर के श्रद्धालु जमा हुए, जिसका जायजा लिया संवाददाता वहां मौजूद रहे। उन्होंने अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। के मौके पर देश भर से श्रद्धालु आज बाबा मंदिर देवघर में उमड़े हैं। देखिए ये नजारा, ये अलौकिक नजारा है। और आज सुबह से ही 4:30 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हो गया। इससे पहले सरदार पंडा और परिवार सरकार यानी कि DC और जिला प्रशासन के समेत सभी अधिकारी, तमाम अधिकारी सरकारी पूजा किया, उसके बाद जलार्पण का कार्य शुरू हो गया। लंबी कतारें थी और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर परिसर ये श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। ये पार्वती मंदिर ही, ये सीधे आते हैं, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। हम उनसे भी एक बार जानेंगे कैसी है व्यवस्था, कब से लाइन लगे हुए हैं। अभी तो 10 मिनट हुआ है इधर। बाबा का दर्शन हो गया? बाबा को हो गया। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मपुर, दरभंगा। दरभंगा जिला, दरभंगा बिहार के दरभंगा से आए हैं। अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? पटना जिला। पटना जिला, ये लोग पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश सभी जगह से आज के दिन बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। ये बाबा के दर्शन के बाद यहाँ आते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था की है, महिला बटालियन भी रखा गया है जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा एक अलग नज़ारा इस बार देखने को मिला है कि भोलेनाथ के दूत भी हैं जो सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं। क्या क्या कुछ किया आपने? हाँ सर, सैनिटाइजर का दे रहे हैं बाबा को हाथ में लगाने के लिए। सैनिटाइजर भी वितरण करने के लिए हम लोगों को मिला था, तो हम लोग तो कोविड से बचने के लिए मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण। और देखिए लंबी कतारें आए हैं जो लोग आज जलार्पण करेंगे और यहाँ से निकल के जा रहे हैं। कितने देर, कब तक खड़े थे, कब से? बहुत अच्छे से दर्शन किए माता जी के। अंदर बहुत व्यवस्था है, सुचारू रूप से व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाबा मंदिर में अभी नहीं जा पाए। एक और महिला है, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? मोतिहारी जिला से। बाबा का दर्शन हो गई? नहीं अभी नहीं हुआ, उसके बाद जाएंगे जी। कैसा व्यवस्था, कैसी है व्यवस्था? ठीक है, ठीक है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की यही कोशिश थी कि व्यवस्थाएं इतनी मुकम्मल की जाए कि जो श्रद्धालु यहां पहुंचे उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनका जलार्पण सुगमता से हो जाए। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज़ भारत के लिए। और अब बढ़ते हैं।